श्याम मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री शाहनवाज अंसारी, श्री राजीव सर्वेयर लेबर प्रोवाइडर, श्री कमल सोनी, श्री यशवंत शर्मा मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं। पब्लिक सपोर्ट दल जिसे हमने तीन भागों में बांटा है, पब्लिक सपोर्ट दल को इसके बाद पब्लिक सपोर्ट दल नंबर दो तैयार रहेंगे, श्री शेखर गबेल लाइट टेंट जनरेटर वेल्डिंग मशीन, श्री शिव सिंह सिदार गैस कटर, श्री मुबारक खान वेल्डर, श्री लोकेश चंद्र क्रेशर मालिक, श्री अंजीर रत्नाकर मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री सुरित महिलांगे लेबर प्रोवाइडर, श्री अमित मिश्रा मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री नरेंद्र कुमार चंद्रा बोरवेल कैमरा सेटअप, श्री मोहन मणि जाटवार ड्रिलिंग, श्री चंद्रलोक सिंह कोरबा मशीनरी लेबर प्रोवाइडर, श्री अखिलेश सिंह पोखलेन, श्री अनिल पोखलेन, आप सभी ने ये सारे इक्विपमेंट्स प्रदान करके इस मुहिम को बहुत ही सफल और सार्थक बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। पब्लिक सपोर्ट दल दो मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे पब्लिक सपोर्ट दल नंबर तीन के सदस्यगण। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर श्री राजकुमार पटेल पोकलेन, श्री भगवान चौधरी ड्रिलिंग, श्री श्रीकांत राव रेस्क्यू चीफ एसईसीएल, श्री शुक्ला एसईसीएल, श्री बिरमा राम चौधरी ड्रिलिंग, श्री गौरी शंकर पोकलेन, श्री विकास अग्रवाल कंप्रेशर मशीन, श्री अश्विनी कंप्रेशर मशीन ऑपरेटर, श्री अमीर सांडिल्य कंप्रेशर मशीन कोऑर्डिनेटर, श्री दादू जायसवाल, श्री पिंटू ठाकुर, श्री गिरधर जायसवाल फूड प्रोवाइडर। जोरदार तालियां इन सभी जांबाजों के लिए। सम्मान की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए जनसंपर्क की टीम को हम आमंत्रित करना चाहेंगे जोरदार तालियों की आवाज के साथ। श्री कमल ज्योति जाहिरे सहायक जनसंपर्क अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय जांजगीर चांपा, श्री गोपाल दुबे फोटोग्राफर जिला जनसंपर्क कार्यालय जांजगीर चांपा, श्री देवेंद्र कुमार यादव सहायक ग्रेड तीन जिला जनसंपर्क कार्यालय जांजगीर चांपा, श्री शिव शंकर चौहान वाहन चालक जिला जनसंपर्क कार्यालय चांपा, श्री सौमिल रंजन चौबे, श्री उमेश मिश्रा अपर संचालक प्रभारी अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया जनसंपर्क संचालन रायपुर, सूचनाओं का राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रचार प्रसारित करने में सहयोगी रहे श्री पवन कुमार गुप्ता संयुक्त संचालक प्रभारी अधिकारी समाचार शाखा, श्री हीरालाल देवांगन उप संचालक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारी, श्री सुनील सिंह संयुक्त संचालक प्रभारी अधिकारी नेशनल मीडिया नई दिल्ली सूचना केंद्र, श्री डी एस कुशराम संयुक्त संचालक, श्री आनंद प्रकाश सोलंकी सहायक संचालक, श्री प्रेमलाल पटेल सहायक संचालक, सुश्री आमना खातून सहायक जनसंपर्क अधिकारी सोशल मीडिया प्रभारी, श्री केवल कृष्ण कंटेंट राइटर, श्री मुनु दाऊ पटेल उप संचालक, श्री रमेश भार्गव सहायक जनसंपर्क अधिकारी, श्री नितेश चक्रधारी सहायक सूचना अधिकारी, सौमिल रंजन चौबे जी, उमेश मिश्रा जी, और इसके बाद आशीर्वचन और संबोधन के लिए हम पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। बैठ के कैसे बोलूंगा, यही कर लो यार।
ठीक है। मंच में बैठे आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय सुब्रत साहू जी, अशोक जुनेजा जी, पिंगवा जी, भाई राम कुमार यादव जी, हमारे परदेशी जी और हमारे सेना के कमांडेंट, उपस्थित रेस्क्यू टीम में जितने शामिल सभी साथियों का मुख्यमंत्री निवास में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आपने बहुत विस्तार से कलेक्टर जितेंद्र शुक्ल जी का, आईजी, एसपी और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसीसीएल, सेना और गांव के लोग, जिन लोगों ने सहयोग दिया, सबके आपने अनुभव आपने सुना है। बहुत बड़ा ऑपरेशन मैं समझता हूं देश का, ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 104 घंटे का, चुनौती बहुत बड़ी थी लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है, देखिए जब आप की नियत ठीक होती है, आपको उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब बारिश हुई, यदि उस समय बारिश होती तब क्या होता, एक और कठिन। लेकिन तब भी हमारे रेस्क्यू टीम के साथी के हौसले कम नहीं थे। क्या आपके ऑपरेशन में परेशानी नहीं आई? पहली बात यह है कि बच्चा यदि सीधा गिरा और कीचड़ था, इस कारण से ज्यादा चोटिल नहीं हुआ, जो केवल उसकी जो स्किन है वही छिला उसका। यदि सूखा रहता तो हो सकता था हड्डी पसली टूट जाता, यदि सिर के बल गिरता तो जान भी जा सकती थी। लेकिन ऊपर वाले हमेशा इस पूरे घटना में उनका आशीर्वाद रहा, सीधा गिरा, लेटा रहा। दूसरी बात, जैसे सूचना मिली सारे टीम, जो जो एक्सपर्ट थे, जिसकी जिसकी आवश्यकता थी, सबको जितेंद्र शुक्ल जी ने, एसपी ने, आईजी ने और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, डीजी साहब, सारे अधिकारी, कहीं पर भी न रेस्क्यू टीम को न हम लोगों को लगा कि यहां पे परेशानी आ रही, ये सहयोग नहीं कर रहा है। जहां जहां आवश्यकता पड़ी वो सारे लोग उपस्थित होते गए, वो सारी मशीनें हमको उपलब्ध होते गए और चट्टान भी आया तो उसको हटाने के लिए, उसे काटने की भी व्यवस्था कर ली गई। ये सब आप सबके सूझबूझ, हौसला, आपकी मेहनत, लगन और सबसे बड़ी बात लोगों की दुआएं आप सबके साथ थी। और इस कारण से पांच पांच दिन तक के लगातार 24-24 घंटा काम करते हुए आप थके नहीं, रुके नहीं और लक्ष्य को हासिल किए और राहुल साहू जी को सकुशल आप लोग निकाल लाए। ऐसे लोग भी सामने आए जो नॉन टेक्निकल है। अभी नजरुल नजरुल आने ना उस बच्चे का,
वो बच्चा एक बच्चे बचाने के लिए दूसरा बच्चे अपने आप को जोखिम में जान जोखिम में डाला। मैंने उसे पूछा कि आपको डर तो नहीं लग रहा? वो बोले एक सेकंड के लिए मुझे डर नहीं लगा। कितनी बड़ी बात, क्योंकि आप सब ने वहां एक सकारात्मक वातावरण बना लिया था और एक लक्ष्य लेके चल रहे थे आप कि हमको लक्ष्य हासिल करना है, इस बच्चे की जान बचाना है। अब समझ सकते हैं कि जान की कीमत क्या होती है। उस बच्चे को बचाने के लिए सब लोग डटे। मैं बधाई देना चाहता हूं एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, सेना को, एसीसीएल को, और अभी जैसे कि हमारे एडिशनल कलेक्टर बोलते पीडीआर भी बना दिए हैं, जो पीड़ित के लोग थे वो लोग भी एक। तो इस प्रकार से जो काम किया गया तो निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और आप महसूस भी कर रहे होंगे और ये कल्पना के बाहर भी है कि कितने लोग इस पूरी टीम को दुआएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। बहुतों ने तो आपको फोन भी दिया होगा, बहुत लोग आपसे मिल के दिए होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आपको बधाई दे रहे हैं। उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो आपसे किसी प्रकार के संपर्क नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको बधाई दे रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं। मेरे तरफ से भी, पूरे छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भी, मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत लंबा चौड़ा और कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। अभी 2 मिनट का हमने क्लिप देखा, वीडियो क्लिप देखा, बहुत सारे वीडियो क्लिप हमारे जनसंपर्क विभाग के पास होगा, हमारे मीडिया के साथी भी, बहुत सारे मीडिया साथी वहां 5-5 दिन तक रहे। 2-4 लोगों उत्कल मैं बिलासपुर में सम्मानित किया, उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बहुत सारे साथी हैं जो वहां लगातार वो लोग भी जागते रहे, मीडिया के लोग भी, उनको भी मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस पूरे घटनाक्रम के, क्योंकि संकट कब आएगा वो बता के नहीं आता, ऐसे और भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं, वो 56 घंटे के थे, 60 घंटे के रहे होंगे, सफलता मिली नहीं मिली, लेकिन ये सबसे बड़ा 104 घंटे का ऑपरेशन, और उस सफलता पूर्वक ऑपरेशन किया गया, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि केवल मिट्टी नहीं था, चट्टाने भी थी, रोड़े भी आए, संकट भी आए। पूरा इसका डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। जनसंपर्क विभाग को, संवाद को मैं कहना चाहता हूं कि पूरे घटनाक्रम के सिलसिलेवार किस प्रकार से तकनीकी रूप से इसको किया गया, कैसे लोग रिएक्ट किए, कैसे लोग सहयोग किए, किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ी, किन किन विशेषज्ञों की सहायता ली गई, वो सारी चीजें एक इसकी फिल्म बननी चाहिए ताकि लोग देखें, समझें और भविष्य के लिए हमारे लिए एक उदाहरण बने। तो सीखने के लिए भी जरूरी है कि इसलिए पूरी का इस घटनाक्रम का शुरुआत से लेकर अंत तक की इसकी फिल्म बननी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी चाहिए। दूसरी बात, जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज मंच के माध्यम से हमने सम्मानित किया, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा है, और मन होता है कि आप लोगों को सम्मान करूं, और भी मौके आएंगे जिसमें आप सबका हम सब सम्मान करेंगे। लेकिन उन बच्चा जो नजरुल है उसको तो मैं, अब रवीन चौबे जी यहां बैठे हैं, हमारे वरिष्ठतम मंत्री हैं, अधिकारी लोग भी बैठे हैं, तो इस पूरी टीम को जब राज्योत्सव मनाया जाएगा तब भी इसको आमंत्रित करिए, तब भी सम्मानित करिए, और उस बच्चे को तो विशेष रूप से उसको सम्मान मिलना चाहिए, और पूरी टीम को वहां राज्योत्सव के कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, उसमें भी हम आप सबको सम्मानित करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सबके अनुभव आप सब ने साझा किया, सुना, और इस माध्यम से पूरा प्रदेश और देश इस अनुभव को, आपके अनुभव को सुनेगा, देखेगा। मैं इसके लिए, मैं आप सबको, आप सब यहाँ आए
तपती धूप में 5-5 दिन तक के खुले मैदान में काम करते रहे, भीषण गर्मी में काम करते रहे, विपरीत परिस्थिति में काम करते रहे। सांप भी आया तब भी नहीं डरा बच्चा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल साहू जी के जो हौसला है, जो हिम्मत है, ईश्वर ने उसे कुछ कमी दी है तो दूसरे तरफ उसके और भी शक्ति दी है। और दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि लिफ्ट में 5 मिनट भी फंस जाए और लिफ्ट चलना बंद हो जाए तो आदमी पसीना पसीना हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन वो बच्चा 5-5 दिन तक एक स्थिति में पड़ा रहा, छोटी सी जगह में वो पड़ा रहा जहाँ ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है। और जितना भी आप लोग सहायता देते, सहयोग करते थे, उसमें वो संतुष्ट रहता था। और यदि वो हड़बड़ाता, चिल्लाता, चीखता तो हो सकता था उसकी एनर्जी और लॉस होती और पहले वो शिथिल हो जाता। लेकिन 5 दिन तक के अपने एनर्जी बनाए रखा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं राहुल को भी बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उस बच्चे के पूरे पढ़ाई लिखाई के जिम्मे छत्तीसगढ़ सरकार के है और साथ ही पूरे इलाज की व्यवस्था, क्योंकि अभी तो इलाज चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसको वहन कर रही है, लेकिन और जो इलाज है, क्योंकि उसको स्पीच थेरेपी कराना पड़ेगा, श्रवण उसके यंत्र लगाने पड़ेंगे, तो जो भी खर्च आएगा छत्तीसगढ़ सरकार उसको वहन करेगी। मैं इस पूरी टीम को, जो रेस्क्यू टीम लगी थी, सबको मैं बधाई देता हूँ। जनसंपर्क विभाग सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसीसीएल और पीड़ित के हमारे सब साथी गणमान्य नागरिकों को भी जिन्होंने इसमें भाग लिया, साथ ही हमारे मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई। भाई राम कुमार भी लगातार डटे रहे वहाँ, 5 दिन तक के वहाँ लगे रहे, बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि उस काम में लगे थे। तो सभी अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक, मीडिया, मीडिया से जुड़े हुए लोग और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब जो फील्ड में डटे हुए अधिकारी हैं उनको यदि फ्री हैंड दे दिया जाए और एक विश्वास दिला दिया जाए कि आपको ये करना ही है, चाहे जो भी आपको व्यवस्था लगे सब आपको छोड़ दी जाती है, सारे काम आपको करना है, लेकिन लक्ष्य हासिल करना है, तो वो काम हमारे मंत्रालय से बैठे हुए अधिकारी और हम लोगों ने जो किया, तो एक निश्चित रूप से धीरे धीरे एक टीम बनती है और टीम भावना के रूप अनुरूप जब काम करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। उसी प्रकार की सफलता ऑपरेशन राहुल साहू में हम सबको मिली। मैं पुनः पूरी टीम को बधाई देता हूँ, पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को, जिन्होंने भावनात्मक रूप से इसमें जुड़े रहे और दुआएं दी, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन सबको बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जांजगीर जिला प्रशासन की टीम आपको स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह भेंट करने की आकांक्षी है। हम आमंत्रित करते हैं माननीय कलेक्टर महोदय को, आईजी महोदय, एसपी महोदय और एडीएम, एसडीएम, नोडल ऑफिसर, आप सभी। ये प्रतीक चिन्ह है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास है अपने अधिकारियों के प्रति, उसके लिए ये प्रतीक चिन्ह है। ये प्रतीक चिन्ह आपके मार्गदर्शन के लिए है जो आपने बेहतर तरीके से दिया। और इसके साथ ही हम आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सभी भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं।